हेलो एवरी वन गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू ऑफ यू दिस इज़ पूजा डियर स्पायरेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग सॉल्व कर रहे थे ई एम आर एस टी जी टी बायोलॉजी प्रीवियस पेपर टू थाउजेंड ट्वेंटी का जिसमें हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे एंड जो आज हमारे रेस्ट ऑफ फोर्टी क्वेश्चन हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में जब हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर फोर्टी की है ना जिसमें क्वेश्चन नंबर फोर्टी में हमने आपको बताया था विच आर द फॉलोइंग सेल्स सिक्रीट आ माइलिन सीथ जो हमारे नर्वो सिस्टम में जो माइलिन सीथ प्रेजेंट होती है नर्व में वो जो माइलिन सीथ है उसको किस टाइप की सेल्स सिक्रीट करती हैं जिसमें हमारा करेक्ट आंसर था सॉन सेल्स है ना एंड आज हम इसी के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेर आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ़ न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट सिनेप्टिक क्लेफ्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या फिर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या फिर सिनेप्टिक वेसिकल्स चलिए आप भी आंसर करेंगे तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं इनके जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ठीक है तो सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्रेनियल मैनेंजेस क्रेनियल मैनेजिस का कौन सा पार्ट नहीं है जो हमारी क्रेनियल मैनेजस होती हैं उनमें थ्री लेयर्स होती हैं थ्री पार्ट्स होते हैं तो उनमें से कौन सा नहीं है ड्यूरा मेटर एरक्नोइड मेटर पाया मेटर या फिर कार्पस कैलोसम बहुत अच्छा क्वेश्चन है चलिए आंसर करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी कार्पस कैलोसम जो है ये हमारी क्रेनियन मैनेजस का पार्ट नहीं है जो क्रेनियल मैनेजेस हैं वो थ्री टाइप्स की होती है डूरा मेटर एरेक्नोइडम एंड मेटर जिन्हें हम कहते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इनमें से कौन सा फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है सेरिब्रम सेरिबेलम बेलम थैलमस या फिर हाइपोथैलमस चलिए करेक्ट आंसर बताएंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेरिबेलम ये आपके फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है ये आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट है ठीक है चलिए नेक्स्ट विच इंजाइम प्ले द रोल्स ऑफ कैटलिस्ट इन सी ओ टू फिक्सेशन इन सी फोर प्लांट्स सी फोर प्लांट्स में सी ओ टू फिक्सेशन के दौरान कौन सा इंजाइम कैटलेज इंजाइम की तरह वर्क करता है कार्बोनिक म्यूटेज कार्बोनिक रिडक्टेज या फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स या फिर कार्बोनिक डिहाइड्रोजिनेस चलिए सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम है ये सी फोर प्लांट्स में फिक्सेशन के दौरान कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है चलिए नेक्स्ट प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस अकर इन प्रोटीन एंड आरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है जीवन फेज में एस फेज़ में यम फेज़ में या फिर जी वन एंड जी टू फेज में चलिए सो so यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो हमारी इंटर फेज होती है या सेल की जो ग्रोथ फेज होती है उसमें थ्री सब फेजेस होती हैं जीवन फेज एस फेज़ एंड जी टू फेज तो जो हमारी जीवन फेज होती है इसमें प्रोटीन्स एंड आयरने की सिंथेसिस होती है आंसर ऑप्शन नंबर ए जीवन फेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन यूनिलॉक्यूलर ओवरी विथ अ सिंगल ओव्यूल प्लेसेंटेशन नूनेस एज लॉक्यूलर ओवरी जिसमें एक सिंगल ओव्यूल है तो इस टाइप के प्लेसेंटेशन प्लेसेंटेशन को हम क्या कहते हैं पेराइटल मार्जिनल बेसल या फिर एक्साइल चलिए सो so, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यूनिलोक्यूलर आपकी ये क्या है ओवरी और इसमें एक सिंगल आपका ओब्यूल प्रेजेंट है ठीक है तो हम इसको क्या कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन ठीक है इस टाइप को हम क्या कहते हैं बेसल प्लेटेशन चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्नेट बिहेवियर इज़ आल्सो नूनेस इन्नेट बिहेवियर को हम क्या कहते हैं इनबॉर्न बिहेवियर या फिर स्ट्रेटो टाइप बिहेवियर या फिर इंस्टेक्टिव बिहेवियर या फिर ऑल ऑफ दीज करेक्ट so, आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एन आटो इम्यून डिजीज इन विच द बॉडी डिस्ट्रॉय द थारॉयड ग्लैंड इज सो क्रिटिनिज्म मिग्जोडीमा या फिर सीमोंस डिज़ीज या फिर हासी मोटो डिजीज चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन डार्विन्स फिंचेस प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम डार्विन फिंचेस जो हैं ये एवोल्यूशन के एविडेंसेस को बताती हैं तो जो डार्विन हैं इन्होंने इन बोर्ड्स की या जो ये फिंस थी इनकी डिस्कवरी कहाँ पर की थी एनाटोमी मार्फोलॉजी या फिर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ऑल ऑफ एवम मींस जो डार्विन फिंचज हैं वो एवोल्यूशन का एविडेंस देती हैं और इनका जो ये एवोल्यूशन है ठीक है आपका एनेटोमी से रिलेटेड है या मॉर्फोलॉजी से या फिर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से चलिए आंसर करेंगे तो आपको फोर्टी नाइन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ऐसा हुआ था ठीक है चलिए नेक्स्ट द सल फिच इज ट्रांसपोर्टेड बाई विंड इज नू ने सॉइल जो ट्रांसपोर्ट होती है वाया विंड तो ऐसी सॉइल्स को हम क्या कहते हैं कोलोवियल सॉइल इोलियन सॉइल एलोवियल सॉइल या फिर ग्लेशियल तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसे हम ईलियन सॉइल कहते हैं चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द टेन परसेंट एनर्जी ट्रांसफ़र लॉ ऑफ फूड चैन वॉज गिवेन बाई इकोलॉजी से है बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए जो टेन परसेंट एनर्जी ट्रांसफ़र लॉ है है ना फूड चैन के अंतर्गत इसको किसने दिया था लेडरबर्ग ने लिंडमैन ने विजमैन ने या फिर लिंडले ने सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लिंडमैन ने चलिए नेक्स्ट द स्पीसीज लिस्टेड इन रेड डाटा बुक आर थ्रीडेंट स्पीसीज इंडेंजर्ड स्पीसीज रेयर या फिर ऑल ऑफ दिस जो रेड डाटा बुक है जैसे आई जारी करता है तो इसके अंतर्गत जो स्पीसीज की लिस्टें हैं वो कौन कौन सी हैं थ्रीडेंट हैं इंडेंजर्ड हैं एंड रेल तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट चलिए नेक्स्ट विच ऑफ दीज डू नॉट इन्वॉल्व फ्लैजुलर मूवमेंट इनमें से कौन सा फ्लैजुलर मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं है स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोवा मेंटेन्स ऑफ वाटर करेंट इन स्पॉन्जेस लोकोमोशन ऑफ सम प्रूटोजोवंस मूवमेंट ऑफ़ माइक्रोफेज इन ब्लड चलिए सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मूवमेंट ऑफ माइक्रोफेज इन ब्लड जो माइक्रोफेज हैं ब्लड में इनका मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला नहीं होता है सो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी तो आपके इस्पोज में वाटर करंट का मूवमेंट है तो इनमें कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं ठीक है थीके? सो so, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज फैसिया मेड ऑफ जो फेसिया है बसंस जो आपके बंडल ऑफ मसल्स हैं है ना इनमें क्या प्रेजेंट है फेसिया तो जो फेसिया है ये किसकी बनी होती है कोलेजन कैराटिन, माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर मसल फाइबर्स चलिए सो so, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो फेसिया है ये फैसिकल से सराउंडेड रहती है जो कि कोलेजन के बने होते हैं तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन इज सीन इन डबल फर्टिलाइजेशन किसमें देखने को मिलता है एनजियो जिम्नोस्पर्म्स मालवेशी या फिर वियोला सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एनजीओ स्पोम जिसको नवासिन ने डिस्कवर किया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्दर ग्रोथ ऑफ इम्ब्रियो टेक्स प्लेस वेन द डैस हैज बीन फॉर्म्ड पोलन या फिर पोलन ओब्यूल uh, जागोट या फिर पिस्टिल तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी जायगोट ओके चलिए नेक्स्ट द प्रजेंस ऑफ वॉट मेक्स द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स हार्ट जो बोन में बोन मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसे हार्ड या स्टिफनेस कौन प्रोवाइड करता है फॉसफेट सॉल्ट कॉन्ड्रियोटीन सॉल्ट्स कैल्शियम सॉल्ट्स या फिर सोडियम सॉल्ट्स चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम सॉल्ट्स जो हैं ये बोन के मैट्रिक्स को हार्ड बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी वर्टिब्री डू ह्यूमस प्रोसेस हुमेन के पास कितनी पेयर या आ, कितनी वोटिब्री होती हैं थर्टी थ्री थर्टी ट्वेंटी सिक्स या फिर ट्वेंटी टू सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ट्वेंटी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन अ सिंगल क्वारिलीडन इज आल्सो टर्म्ड एज जो सीड है जो सीड जर्मिनेट होता है तो ऐसे सीड्स जो जिनके पास एक सिंगल क्वारिलीडन प्रेजेंट है ठीक है एक सिंगल कॉटिलीडन प्रेजेंट है तो इस कॉटिलीडन को क्या कहते हैं ठीक है ये जो कॉटिलीडन है इसे क्या कहते हैं इंडोकार्प नूसिलस एपीकार्प या फिर स्क्यूटेलम सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्क्यूटेलम और ये स्क्यूटेलम आपको मोनोकॉट सीड में देखने को मिलेगा क्योंकि जो मोनोकॉट सीड होते हैं इनमें केवल एक कॉटिलीडन प्रेजेंट होता है जबकि डाइकॉट में दो क्वार्टिलीडन प्रेजेंट होते हैं चलिए नेक्स्ट हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हिमाटोपोइटिक सेल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ जो ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं दैट मीन्स ब्लड सेल्स जो हैं वो हिमाटोपोइटिक सेल से प्रोड्यूस होती हैं तो ये सेल्स कैसी हैं सस्पेंशन सेल्स एडहेरेंट सेल्स स्टेम सेल्स या फिर लिविंग सेल्स सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये क्या है स्टेम सेल्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेल कल्चर टेक्निक इन टू डायमेंशंस वॉच फर्स्ट डिस्कवर बाई सेल कल्चर टेक्निक जो थी दो डायमेंशन वाली उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था विल्यम रॉक्स ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फ्रांसिस क्रिक या फिर कैरी मुलिस ने सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विलियम रॉक्स ने सेल कल्चर टेक्निक को डिस्कवर किया था सबसे फर्स्ट टाइम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ ह्यूमन एनाटॉमी ह्यूमन एनाटॉमी क्या है ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ़ द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ़ बैक्टीरिया एंड वायरसेस या फिर ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ़ डिजीज एंड इट्स कॉजेस तो so, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कीप विच आर द फॉलोइंग्ट्रक्चर्स कीप ब्लड फ्लोविंग यूनी डायरेक्शनली इन ह्यूमेंस ह्यूम में ऐसी कौन सी स्ट्रैक्चर्स है जिसमें ब्लड फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन ध्यान से आंसर करेंगे ब्रॉन् सेप्टम या फिर वॉल्ब्स चलिए सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वॉल्व्स जो हमारे हार्ट में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं है ना ये हमारा फोर चैम्बर्ड हार्ट है और ये आपका राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल है ये आपका लेफ्ट ओरिकल एंड ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ठीक है तो राइट right ऑरिकल से जब ब्लड राइट right ऑरिकल से जब ब्लड राइट right वेंट्रिकल्स में आता है तो यहाँ पर वॉल प्रेजेंट होते हैं जिसे हम ट्राई कस्पीड वॉल कहते हैं ठीक है ट्राई कस्पीड वॉल एंड लेफ्ट ऑरिकल से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो इस वॉल को इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं बाई कस्पिड वॉल बाई कस्पेड वॉल या इसी को हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं ठीक है तो इनमें ब्लड यूनी डायरेक्शनल इनका फ्लो होता है ठीक है राइट बेंट्रिकल से फिर से राइट right ओरिकल में ब्लड वापस नहीं जाएगा क्योंकि उसके बाद ये वॉल्व क्लोज हो जाएंगे एंड लेफ़्ट ऑरिकल से ब्लड फिर से लेफ्ट बेंट्रिकल से लेफ़्ट ऑरिकल में नहीं जाएगा तो जो वॉल्स में ब्लड का फ्लो है ये कैसा है यूनी डायरेक्शनल सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन इन ह्यूमस ह्यूम्स हुमें में कौन सा बैलेंसिंग ऑर्गन है ईयर डर्म बेस्टिब्यूलर रीजन कॉकलिया ऑर्गन ऑफ कॉल्टी करेक्ट so, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेस्टिब्यूलर रीजन जो वेस्टिब्यूल्स हैं है ना इंटरनल ईयर्स का पार्ट है वेस्टिब्यूल्स एंड कॉकलिया तो बैलेंसिंग ऑर्गन्स कौन सा है वेस्टिब्यूल्स ऑर्गन और हेयरिंग ऑर्गन क्या है दैट इज हेयरिंग ऑर्गन आपका ऑर्गन ऑफ कॉल्टी है क्लियर चलिए विच आर द फॉलोइंग सेल्स इन द पेंक्रियास मेक इंसुलिन जो हमारा पेंक्रियास है ये इंगडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्जोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह बिहेव करता है ठीक है जिसे हम इसे मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं तो जो इंसुलिन है ये किस टाइप की सेल से सिक्रीट होता है एपिथीलियल सेल्स हिपैटिक सेल्स जॉर्म सेल्स या फिर

अमीनो एसिड है ठीक है यानी किसके पास अमाइनोग्रुप प्रजेंट है सेरिन एलानिन, ग्लाइसिन या फिर प्रोलिन सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो प्रोलिन एमिनो एसिड है इसके पास अमाइनो ग्रुप प्रजेंट होता है इसलिए हम इसे अमाइनो एसिड भी कहते हैं अमाइनो ग्रुप क्या होता है आपका सी डबल बॉन्ड कार्बन एन एच ओ एच ये ग्रुप जो है ये क्या है एमाइनो ग्रुप है एमीन ग्रुप है ये प्रोलिन में प्रेजेंट होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज अबंडली फाउंड इन कोलेजन इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा कोलेजन में प्रेजेंट होता है ट्रिप्टोफोन एमिनो एसिड एलनिन एसिड या फिर ग्लाइसिन एसिड एमिनो एसिड या फिर सेरिन एमिनो एसिड सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्लाइसिन जो है ये सबसे ज़्यादा कोलेजन फाइबर्स में प्रेजेंट होता है जो कि इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच एमंग फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इस्लेरन कायमा इस्क्रन कायमा के रिगार्डिंग इसमें इनकरेक्ट क्या है दीज आर द लिविंग टिश्यू रिस्पांसिबल फॉर स्टिफनेस इन प्लांट्स द हस्क ऑफ अ कोकोनट इज़ मेड ऑफ एस्लिन कामेटस टिश्यू दे आर टू काइंड्स नेमली स्क्लेरियोइड्स एंड फाइबर्स या फिर सिंपल पिट्स आर प्रजेंट इन थिकेंड सेल वॉल ऑफ स्क्लेरन कायमा चलिए आंसर करेंगे आपको यहाँ इन करेक्ट बताना है इस्लेरन कायमा से तो इन करेक्ट क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है दीज आर द लिविंग टि सू रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिफनेस इन प्लांट प्लांट को हार्डनेस ये नहीं प्रोवाइड करते हैं ठीक है और ये ना ही लिविंग होते हैं ये कैसे हैं मैकेनिकल टिश्यू हैं चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सी थ्री प्लांट सी थ्री प्लांट का कौन सा एग्जाम्पल्स है सूगर केन कैक्टस वीट या फिर कॉर्न सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो व्हीट है ये C3 थ्री प्लांट्स का एग्जाम्पल है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द कैल्विन साइकिल कैल्विन साइकिल या जो C3 थ्री साइकिल है इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है सेडो हिप्ट्यूलेस इरेथरोज ग्लूकोज या फिर राइबोज करेक्ट so, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज ग्लूकोज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग लीफ एनाटोमी इज अ कैरेक्टराइजेशन ऑफ सी फोर प्लांट्स इनमें से जो सी फोर प्लांट्स है इनकी लीफ की एनाटोमी कैसी होती है पाइजो एनाटोमी नॉर्मन एनाटोमी या फिर क्रॉन्स एनाटोमी या फिर रिकार्ड एनाटोमी सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सी फोर प्लांट्स की जो लीफ होती है इसमें हमें क्रॉन्स एनाटोमी देखने को मिलती है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी चलिए नेक्स्ट पॉलीराइबोसोम पॉलीराइबोसोम आर एग्रीगेशन ऑफ पोली किसका एग्रीगेशन है ट्रांसफर आर एन ए सेवरल राइबोसोम हेल्ड टूगेदर बाई स्ट्रिंग ऑफ मैसेंजर आर एन ए राइबोसोम्स एंड ट्रांसफर आर एन ए या फिर पेराक्सीसोम्स चलिए करेक्ट आंसर बताएंगे जो पॉलीराइबोसोम आर एग्रीगेशन पॉली राइबोसोम का एग्रीगेशन मीन्स क्या है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जब कई सारे राइबोसोम्स एक साथ मैसेंजर आरएनए से बाइंड कर जाते हैं तो इस कंडीशन को हम पॉली राइबोसोम कहते हैं और ये कंडीशन मेनली हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखने मिलती है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द मैलेट स्टोरेड इन कैम प्लांट्स कैम प्लांट्स में मैलेट स्टोर कहाँ होता है ठीक है जो मैलेट है प्रोडक्ट इसका फोटोसिंथेसिस का ये कहाँ पर स्टोर्स होता है क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया वैक्यूल्स या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैक्यूल्स जो प्लांट सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ये कैम्प प्लांट्स में मैलेट को स्टोर करते हैं एंड उसके बाद ये फिर से इसको स्टार्च में ये सुक्रोज में चेंज करके फिर से प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट डिफरें पार्ट्स को प्रोड्यूस कर देते हैं सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टी पी एंड नैड पी एच टू आर यूज इन सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर प्लांट को वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फार्मेशन करना है ठीक है एक ग्राम ग्लूकोज बनाना है तो वो कितनी ए डी पी और नैड पी एच टू को यूज़ करेगा थर्टी ए टी पी एंड टेन नैड पी एच टू या फिर थर्टी ए टी पी थर्टी नैड पी एच टू थर्टी ए टी पी पी टू या फिर टोल ए टी पी एंड थर्टी नाइड पी टू चलिए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट थर्टी ए टी पी एंड टोएल एन ए डी पी टू को यूज़ करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम एंड बॉडीज लिंक्ड विन्थ इट ड्यूरिंग अल्ट्रास्यूगेशन अल्ट्रासेंट्री फ्यूगेशन आर सेपरेटेड एज आ फ्रैक्शन नून एज जब हम सेल को ग्रिंड करते हैं फिर उस फ्रैक्शन को उस सेल्यूशन को हम क्या करते हैं उसे सेपरेट करते हैं ठीक एलिवेट करते हैं तो उस समय जो इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम से कुछ माइक्रोबॉडीज़ अटैच रहती हैं ठीक है थीके? जो इंडोप्लाजिक रेटिकुलम है ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट कर माइक्रोबॉडीज़ बना लेता है उसे हम क्या कहते हैं एपिसोम, पॉलीसोम, माइक्रोसोम या फिर क्वांटासोम सो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसोम कहते हैं एपिसोम हमने बताया था जब और बैक्टीरियल सेल का जीनोम जो बैक्टीरियल सेल का डीएनए है वो अप, अपने ही प्लाजमिट के साथ इनकॉपरेट हो जाता है तो उस पोजीशन को हम एपिसोम कहते हैं एंड पॉलीसोम अभी हमने आपको बताया कि एक मैसेंजर आरएनए से कई सारे राइबोसोम आकर बाइंड कर लेते हैं इसे हम पॉलीसोम कहते हैं क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन्स टू देयर डेस्टिनेशन जो न्यूली सिंथिसाइज प्रोटीन्स है ठीक है उसके जो है उसका मॉडिफिकेशन हो चुका है ना मेन ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन मॉडिफ़िकेशन एंड रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथिसाइज प्रोटीन देअर डेस्टिनेशन जहाँ पर बनी है वो प्रोटीन रिक्वायर्ड सेल ऑर्गेनिस को सेल्स को क्या करना है उसे भेजना है तो वो जो न्यूली सिंथिसाइज प्रोटीन है वो उसको कौन मोडिफाई करता है और कौन उसे ट्रांसपोर्ट करता है इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट तो करेक्ट so, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है ऑप्शन नंबर ए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूली फॉर्म्ड या न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स को मॉडिफाई करेगा और उसे अप, अपने डिस्टिनेशन से गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक रूट प्रोवाइड करेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एलिफैंटिएसिस इज कॉज्ड बाय, एलिफैंटिएसिस कैसे होती है फाइलेरियल वॉम्स फ्लैट टेप वॉर्म्स या फिर ऑफ सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फाइलेरियल होती है, जिसे हम बसे फैलेरी कहते हैं चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कार्सिनोमा अराइज फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स बोन मैरो पिगमेंट कॉन्टेनिंग सेल्स या फिर नन ऑफ द सो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जो एक टाइप का कैंसर है ये कहाँ एराइज होता है एपीथिलियल सेल्स में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ आ जीन इस तो जीन के अल्टरनेट फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं अल्टरनेट टाइप रेसेसिव करेक्टर्स या फिर डोमिनेंट करेक्टर या फिर एलील सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एलील नेक्स्ट क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल व्हिच प्रोड्यूस आ फिनोटिपिक्ट ऑन म्यूटेशन म्यूटेशन की सबसे स्मॉल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं जो कि म्यू जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई डिफॉल्ट हो जाए ठीक है जेनेटिक मटेरियल की वो सबसे छोटी यूनिट जिसमें कोई डिफॉल्ट हो जाए जिससे क्या होता है म्यूटेशन कॉज हो जाता है तो उस स्मॉल यूनिट्स को क्या हम कहते हैं या फिर हम म्यूटेशन की यूनिट को क्या कहते हैं म्यूटॉन जीन रिकॉन या फिर सिस्ट्रॉन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए म्यूटॉन तो डियर पैरेंट्स ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के टोटल एट्टी क्वेश्चंस तो आप देख पा रहे हैं इतने इजी क्वेश्चंस आपके टीजीटी एग्जाम्स में आते हैं ठीक है तो आई होप आपने अपने प्रिपरेशन के लेवल को चेक किया होगा कि किस तरीके से ई एम आर एस में टी जी टी में आपके क्वेश्चन आते हैं ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकें अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें थैंक यू सो मच एवरीवन